Hello my dear students of class 10th. Now today I am going to discuss the very important chapter which is called light. आज हम लोग light से related जो fundamentals जो theories हैं उसको सीखेंगे और light के कुछ phenomena भी यहाँ पे study करेंगे जो कि आपके concept को पूरी तरह से clear कर देंगे. तो definitely आपको ये lecture बहुत ही पसंद आने वाला है और मैं जो है definitely एक ऐसा जो है content provide करूँगा जिसके अंदर आपको पक्का है इंटरेस्ट आएगा. क्लियर? तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि बेसिकली लाइट है क्या. देखिए लाइट के बारे में जो सबसे जनरल डेफिनेशन है वो ये है कि लाइट इज ए थिंग थ्रू विच वी कैन सी द कलरफुल वर्ल्ड. क्लियर? मैं यहां पे लिख रहा हूं कि लाइट इज अ थिंग थ्रू विच We can see the colorful world. ठीक है? तो एक ऐसा मीडियम, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कलरफुल वर्ल्ड को हम देख सकते हैं, दैट इज स्पेसिफिक लाइट. बट एक्चुअली क्या है कि आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हो तो 10th के अकॉर्डिंग क्या होगा कि भाई डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा. इट मींस मॉडिफिकेशन इज नेसेसरी इन द डेफिनेशन ऑफ लाइट. देखो लाइट की जो स्टार्टिंग होती है बेटा वो क्या है कि लाइट को ऐसा मानते हैं कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. क्लियर? तो अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी जो रेंज होती है वो कहां से कहां लाई करती है, जो इसका रेंज होता है वो लाई करता है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर. क्लियर? तीसरी बात क्या है कि इसके साथ हम कलरफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं. तो वी कैन सी द कलरफुल वर्ल्ड. इट मीन्स इन तीनों टर्म को अगर एक साथ कंबाइन करके डिफाइन किया जाए तो लाइट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से फॉर्म होती है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुज रेंजेस लाइज बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर एंड थ्रू विच वी कैन सी द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस. बात समझ रहे हो? ये तीनों पॉइंट्स लिखने का मेरा क्या था, एक पर्पस था. क्या था इस पर्पस से? हम एक डेफिनेशन चाहते थे और वो डेफिनेशन हमको मिल गई. क्या क्या मिली? कि लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुज रेंजेस लाइज बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर एंड थ्रू विच वी कैन सी द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस. मतलब है दुनिया में अगर आप लाइट का इमेजिनेशन अगर सोच लें ऐसा कि लाइट नहीं है तो आप वर्ल्ड को इमेजिन नहीं कर सकते हो. इवन यू कांट इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट लाइट. भले ही आपके पास क्या है, ह्यूमन आईज है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास लाइट नहीं है, मीडियम नहीं है, तो आप मीडियम से किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते. क्लियर? जैसे नाइट होता है तो नाइट में भी क्या करते हैं, लाइट जलाते हैं. ठीक है? तो लाइट ये हमको जो लाइट है हमारी वो एक्चुअली बेसिकली तो इसे कहते हैं नेचुरल लाइट, है ना. क्योंकि जो लाइट आपकी होते दो तरह की होती है. एक कैसी होती है? एक तो होती है तुम्हारी नेचुरल और दूसरी क्या होती है, आर्टिफिशियल होती है. तो नेचुरल और आर्टिफिशियल लाइट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है कोई पूछे तो आप कहोगे सर नेचुरल लाइट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है. ऐसा नहीं है आर्टिफिशियल का इंपॉर्टेंस नहीं है, बट रियलिटी में अगर देखा जाए तो नेचुरल लाइट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है. क्लियर? अब बात करते हैं भाई इस लाइट को डिफाइन किसने किया था. तो आपको भी पता होगा बड़े ही फेमस साइंटिस्ट थे सर आइज़क न्यूटन. क्लियर? जिनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द फिजिक्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फादर ऑफ फिजिक्स. क्लियर? तो फादर ऑफ फिजिक्स किसको माना जाता है? न्यूटन को माना जाता है. न्यूटन ने क्या किया था? न्यूटन ने जो है इस थ्योरी को डिफाइन किया था. ठीक है, लाइट की थ्योरी को डिफाइन किया था. और लाइट को उन्होंने डिफाइन किसके थ्रू किया था?
एक पार्टिकल था जिसको हम बोलते हैं कार्पसल्स। क्या बोलते हैं? कार्पसल्स, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये कार्पसल्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपके डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वही डस्ट पार्टिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं, कार्पसल्स बोलते हैं। अप्रोक्सीमेटली उसको नहीं बोलते बल्कि उसी के जैसा होता है, ठीक है। टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जब लगभग डस्ट ही पार्टिकल्स के बराबर होते हैं, इस वजह से इसको हम बोलते हैं कार्पसल्स। तो कार्पसल्स की थ्योरी जो थी वो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और न्यूटन ने इन्हीं कार्पसल्स को मान के ही क्या किया है, बाकी सारे फेनोमेना को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अब पूछेंगे सर क्या कार्पसल्स थ्योरी के अलावा भी कोई थ्योरी थी, तो एक थ्योरी और थी जो कि हमारी वेव थ्योरी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो लाइट की दो थ्योरीज बड़ी फेमस है, एक तो हमारा कार्पसल्स और दूसरा हमारा क्या है, वेव थ्योरी है। अब वेव थ्योरी बेटा इसको किसने किया था, वेव थ्योरी के मैं बता दूं आपको, क्रिस्टियानो हाइगेंस साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे? क्रिस्टियानो हाइगेंस, ठीक है। CRISTIANO क्रिस्टियानो, HUYGENS। तो क्रिस्टियानो हाइगेंस ने किसको दिया था, वेव थ्योरी को दिया था, और सर आइजक न्यूटन ने किसको दिया था, कार्पसल्स थ्योरी को दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कार्पसल्स थ्योरी की ही स्टडी करेंगे, ठीक। अच्छा एक बात बता दूं मैं थोड़ा सा, ये जो रेंज था बेटा, एक एक्स्ट्रा नॉलेज ले लीजिए, इस रेंज की डिस्कवरी की थी डच फिजिसिस्ट बामर ने की थी। किसने की थी? डच फिजिसिस्ट बामर ने की थी, ठीक। आप आगे चल के पढ़ोगे, और इस रेंज को हम क्या बोलते हैं, विजिबल रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? विजिबल रेंज बोलते हैं, ठीक है। ये कैसा रेंज है? विजिबल रेंज है। और इसमें विजिबल रेंज में कौन से कलर आते हैं, तो मैं आपको बता दूं, विब्योर आता है। क्या आता है? विब्योर, समझ गए, वही इंद्रधनुष वाला, ठीक है, रेनबो वाला, ठीक। तो इसका मतलब है विब्योर का मीनिंग क्या है, वी से व्हाइट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई आई थिंक, कि आपको जो भी चीजें थी, जो फंडामेंटल्स थे लाइट के डेफिनेशन से रिलेटेड, वो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा लाइट के जो फेनोमेना होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि कुछ फेनोमेना लाइट का आपको बताता हूं, और उसके बाद एक दो फेनोमेना को हम समझेंगे भी, है ना। उसमें से कुछ सिलेबस में है और कुछ आउट ऑफ सिलेबस है, क्लियर। तो जैसे सबसे पहले बेटा अगर हम बात करें, तो जो पहला फेनोमेना है हमारा वो है रिफ्लेक्शन का। किसका? रिफ्लेक्शन का, ठीक। दूसरा जो फेनोमेना है वो हमारा किसका है? रिफ्रैक्शन का, ठीक है। मतलब पहला रिफ्लेक्शन है, दूसरा रिफ्रैक्शन है, तीसरा आपका क्या है? तीसरा आपका है डिस्पर्सन। क्या है बेटा? डिस्पर्सन, क्लियर। चौथा क्या है बेटा? चौथा हमारा है स्कैटरिंग। क्या है? स्कैटरिंग, ठीक। पांचवा हमारा क्या है? पांचवा है हमारा बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पांचवा आप कह सकते हो, ठीक है, डिफ्रैक्शन। क्या है? डिफ्रैक्शन, ठीक। छठवा क्या है बेटा? इंटरफेरेंस है। क्या है? इंटरफेरेंस है। और सातवां हमारा क्या है? तो सातवां बेटा हमारा है पोलराइजेशन। क्या है? पोलराइजेशन, क्लियर। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल हाउ मेनी फेनोमेनास आर देयर इन अवर लाइट? देयर आर 7 फेनोमेनास, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन। ये इतने फेनोमेना हमारे लाइट के अंदर आते हैं, और इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से हम चार फेनोमेना की स्टडी करते हैं। इट मींस 4 फेनोमेनास स्टडी करते हैं किसमें, क्लास 10th में। और ये जो 3 फेनोमेना स्पेशली होते हैं ये क्लास 12th से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये 10th में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत नॉलेज आप ले सकते हो इसका, ऐसा नहीं है कि आप 10th में हो तो नहीं पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत नॉलेज आप इसका ले सकते हो, और डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा थोड़ा बहुत नॉलेज। उसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, इन चार जो फेनोमेनास हैं, 4 फेनोमेनास, इनको मैं थोड़ा सा डीप में जाऊंगा, डीप में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपको इनकी प्रॉपर एक जो इमेज है वो आपके माइंड में आ सके, डेफिनेटली। तो देखिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हमको टॉपिक समझ में आना चाहिए, है ना। जब तक टॉपिक नहीं समझ में आएगा, जब तक हम उसके उसके लॉजिक को या उसके कंसेप्ट को हम नहीं ग्रिप उस पे बना सकेंगे, तो सबसे बड़ी चीज है कि हमको क्या पढ़ना है, क्या हमको नहीं पढ़ना है, ये चीज भी तो हमको मालूम होनी चाहिए ना।
तो चलिए इतना आइडिया अगर आपने ले लिया तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा रिफ्लेक्शन की। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। अब देखिए रिफ्लेक्शन मेरा है क्या। देखो रिफ्लेक्शन में एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहूंगा कि रिफ्लेक्ट करना मीन्स होता है कोई भी चीज आपके पास ठीक है स्ट्राइक करके आ जाए। कह रहे नहीं हो कि वहां पे यार ये देखो यहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन की मीनिंग वही है कि जब भी कोई लाइट किसी सरफेस से स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद वो उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है तो उस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये लाइट आई इस बोर्ड पे पड़ी, बोर्ड से रिफ्लेक्ट हो गई, तो बोर्ड से रिफ्लेक्ट हो गई इसीलिए इसका नाम रख दिया गया रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है, यहां पे छोटा सा टर्म है, ठीक है मैं डिफाइन करूंगा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस into the same medium। यही हमारा रिफ्लेक्शन। इट मीन्स रिफ्लेक्शन को अगर हम प्रॉपरली डिफाइन करें तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सर्फेस इन टू द सेम मीडियम, मतलब जिस मीडियम में वो आई थी उसी मीडियम में वापस चली जाए। इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर। अब देखो मैं थोड़ा सा यहां पे लॉजिक समझाऊंगा। मान लो मेरे पास ये प्लेन है बेटा, ठीक है ये क्या है हमारा प्लेन है जिसको कि हम इंटरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। इंटरफेस क्या होता है, दो मीडिया को सेपरेट करता है, तो बेसिकली हम बोल देते हैं ये प्लेन है। ठीक, अब प्लेन पे क्या है, एक पॉइंट यहां पे मैंने सेलेक्ट किया और यहां से मैंने दिखाया कि एक रे यहां से आ रही है, स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, इस जगह पे स्ट्राइक कर रही है, तो यहां से हमने यहां पे एक लाइन परपेंडिकुलरली ड्रा कर दिया और इसे परपेंडिकुलरली ना बोलते बल्कि इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल और परपेंडिकुलर में डिफरेंस है। नॉर्मल क्या करता है, हर जगह से 90 बनाता है। नॉर्मल देखो इधर से भी 90 बना रहा है, ठीक नॉर्मल इधर से भी 90 बना रहा है। ठीक, लेकिन परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर ये देखो यहां पे क्या होगा, परपेंडिकुलर सिर्फ दो लाइंस के बीच में बनता है। ठीक है, यही डिफरेंस है दोनों में। अब बात करते हैं कि ये जो लाइट स्ट्राइक करती है that ray will be called incident ray। भाई ये ray है तो ये स्ट्राइक कर रही है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। ठीक है, अब अगर ये रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाए उसी मीडियम में तो ये इस मीडियम में वापस चली गई इसलिए इसका नाम हमने रख दिया रिफ्लेक्टेड रे। क्या रख दिया, रिफ्लेक्टेड रे रख दिया। अब यहां पे एक एंगल बन रहा है, ये देखो ध्यान से, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इंसिडेंस, और इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे टर्म है जो आपको समझ के रखने हैं। ठीक, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस। इसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, अब देखो है क्या कि जब ये लाइट यहां से स्ट्राइक करती है इस पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस पे और यहां से ये रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है, देन दिस फेनोमेना इज कॉल्ड बेसिकली रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अगर इसके बाद हम बात करें कि भाई ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल आपको बताना है, डिफाइन करना है। ठीक है, लॉ के टर्म में तो रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। ठीक है, तो इसमें रिफ्लेक्शन के जो लॉज है वो मैं इधर लिखना चाहूंगा। ठीक है, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर होती है। ठीक, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक्चुअली होता क्या है। देखो यहां, यहां मैंने लिखा लॉ रिफ्लेक्शन। अब इन्होंने क्या किया, टू लॉज जनरेट किए, गवर्न किए। किसने, न्यूटन ने। तो न्यूटन ने अपने जो दोनों लॉज गवर्न किए वो, उसमें से पहला लॉ क्या था कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइन द सेम प्लेन। पहला लॉ था, क्या था, इंसिडेंट रे
उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है, तो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। और दूसरा क्या था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको हम ये बोलते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, आप स्मॉल आई से यूज करो, इसको स्मॉल आई से यूज कर लीजिए, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज बिकम्स इक्वल, हमेशा इक्वल होते हैं, ऐसा नहीं होगा कि कोई एक ज्यादा हो जाए दूसरा कम हो जाए, मतलब ये लॉ हमेशा होल्ड करेगा, बात समझ रहे हो। तो यहां पे इतनी बात आपको समझ में आई। अब एक मैं बात बताना चाहूंगा, ये एक प्लेन में लाई का मतलब क्या होता है, ये देखो बेटा, एक बोर्ड के नॉर्मल एक प्लेन होगी ना, इस बोर्ड के नॉर्मल ये प्लेन होगी, उसी प्लेन में तो ये देखो ऐसे लाइट अगर आती है तो उसी प्लेन में तो आती है, ये बोर्ड के नॉर्मल वाली जो प्लेन है इमेजिनरी प्लेन, उसी प्लेन में तो लाइट आती है, तो ये लाइट आई और यह स्ट्राइक की और स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब एक ही प्लेन में, तो ये नॉर्मल जो इसका होगा इस बोर्ड के नॉर्मल ये वाली प्लेन, ठीक है भाई, ये नॉर्मल है, तो यहां इंसिडेंट ऐसे गई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, तो मतलब वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, बात समझ रहे हो भाई। कभी ये मत सोचना कि सर बोर्ड में फिगर बनाया तो बोर्ड में ही लाई करेगा, डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है कि बोर्ड में वो लाई करे, तो आपको मैं बता दूं नॉलेज के लिए कि बोर्ड में कभी भी लाई नहीं करेगा बेटा, है ना, 2D में कभी लाई नहीं करता है, 3D फिगर को होता है, 3D को इमेजिन करो, ठीक, कि लाइट ऐसे आ रही है बोर्ड पे स्ट्राइक करे वापस जा रही है, क्लियर, एंड दैट प्लेन इज नॉर्मल टू दिस बोर्ड, जो प्लेन है हमारा वो कैसा है, नॉर्मल है इस बोर्ड के, बात समझ में आ गई। चल अब भाई एक मैं बात बता दूं बेटा, कि जो रिफ्लेक्शन होता है ना वो सरफेस पे भी डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, सरफेस पे भी डिपेंड करता है, देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, कैसे हम सरफेस पे डिफाइन करेंगे कि हमारा रिफ्लेक्शन कैसे सरफेस पे पता चलेगा कि डिपेंड करता है, देखो क्या है कि सरफेस दो तरह के होते हैं, एक तो बेटा होता है रेगुलर सरफेस, कैसा होता है रेगुलर, दूसरा सरफेस कैसा होता है इरेगुलर होता है, कैसा होता है इरेगुलर, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कि रेगुलर सरफेस और इरेगुलर में डिफरेंस क्या है, तो ये देखिए रेगुलर का मतलब होगा बेटा ये ऐसे मैंने क्या किया, ठीक बनाया, मतलब है यहां पे आयरन ऑक्साइड की पॉलिशिंग कर दी जाती है, आयरन ऑक्साइड की क्या कर दी जाती है, पॉलिशिंग कर दी जाती है, ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है इसका एक फेस ब्लॉक हो जाता है, अब दूसरा फेस ओपन है, तो जब यहां से लाइट आएगी तो लाइट आती है तो स्ट्राइक करने के बाद ये सीधी चली गई ऐसे, ठीक है, यहां बीच में आपने क्या किया, एक नॉर्मल यहां पे ड्रा कर दिया, ठीक। अब सरफेस अगर इरेगुलर है तो इरेगुलर सरफेस कुछ ऐसा भी हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, अब यहां भले ही तुमने पॉलिशिंग कर दी हो लेकिन सरफेस तो भाई इरेगुलर है ना, तो ये बेटा ये जो हमारी वाल है ना ये इरेगुलर सरफेस में आती, क्यों, क्योंकि जब इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो बहुत छोटे छोटे पोर्स दिखेंगे, इसी तरह से ये बोर्ड भी परफेक्टली रेगुलर सरफेस नहीं है, ठीक है, आपको भले ही दिख रहा हो रेगुलर कि प्लेन है सब कुछ है लेकिन यहाँ पे पोर्स दिखेंगे, अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे पोर दिखेगा, मतलब इवन माइक्रोस्कोप से देखें और पोर ना दिखे देन दैट सरफेस विल बी कॉल्ड रेगुलर सरफेस, बात समझ रहे हो मेरी, तो अब ये टेढ़ा मेढ़ा सरफेस है, ठीक, कुरकुरे समझ ही रहे हो, है ना, बहुत खाते हो तुम लोग, तो उसी तरह हमारा क्या है सरफेस है। अब कुछ लोगों का कहना होगा कि सर क्या रिफ्लेक्शन जो होता है उसका रोल यहां फॉलो होता है, चलिए मैं दिखाता हूं आपको, यहां पे ये बेटा क्या होगा, यहां पे स्ट्राइक करेगा तो यहां पे हमने इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रा किया तो इसका नॉर्मल कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है भाई, ये नॉर्मल है और इस नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे ऐसा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक। मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन चाहे सरफेस इरेगुलर हो और चाहे सरफेस रेगुलर हो दोनों के केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डैमेज नहीं होता है, अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने डैमेज कर दिया तो डेफिनेटली आपका जो लॉ है वो गलत हो गया, मतलब आपने वहां पे गलती कर ली, तो माइंड में रखना है कि सरफेस में भी रेगुलर और इरेगुलर एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विल होल्ड ऑन बोथ द केसेस, दोनों के केस में क्या होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका होल्ड करेगा, अगर ऐसा नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी, आपने कहीं ना कहीं डेफिनेटली गलती कर दी। अब हम बात करते हैं
कि भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर आपकी लाइफ में है तो किसका है भाई, इरेगुलर सरफेस का है, रेगुलर सरफेस का है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं। मान लीजिए कि ये कैंडल है बेटा, ठीक है, और यहां पे इस कैंडल को आपने क्या किया, ठीक, जला दिया, चलो अच्छा कैंडल बन गया, ठीक, ये देखो और अच्छा हो गया। अब यहां पे क्या हो गया, सरफेस ले लिया और सरफेस कैसा है मेरा, रेगुलर है, ठीक। अब यहां पे बेटा जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहां पे पड़ेगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहां पे स्ट्राइक कर रही है, तो आपने क्या किया, यहां से भैया एक नॉर्मल ड्रा कर लिया, यहां से क्या किया एक नॉर्मल ड्रा कर दिया, यहां से क्या किया एक नॉर्मल, और तीनों को आपने क्या किया ऐसे बना दिया, ठीक, ये, और यहां पे अपनी आईज को प्लेस कर लिया, ठीक, अपनी आईज को प्लेस कर लिया। अब आप पूछेंगे सर इसमें तो लाइन बिल्कुल पैरेलल आ गई, जैसे आ गई थी वैसे आ गई मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। इस कैंडल को हम बोलते हैं हमारा सोर्स है, क्या है ये हमारा कैंडल, हमारा किसका काम करेगा, सोर्स का काम करेगा, ठीक। अगली बात, अगली सिचुएशन, यहां देखिए इसको मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैंने सेम कैंडल बनाया, ठीक है, सेम कैंडल मैंने बनाया, अब मुझसे एग्जैक्टली वैसा नहीं बनेगा, लेकिन ये आप समझिएगा कि वहां पे क्या है सेम, ठीक, ये हमारा कैंडल। अब यहां मेरा सरफेस बेटा इरेगुलर सरफेस है, ठीक, यहां सरफेस कैसा है, इरेगुलर सरफेस है, ठीक। अब अगर लाइट यहां पे पड़ेगी तो एक लाइट यहां पड़ी, बीम ऑफ लाइट यहां, दूसरी यहां पड़ी और तीसरी यहां पड़ेगी, ठीक। अब आप देखिए तीनों के लिए जो नॉर्मल होगा बेटा अलग अलग होगा ना, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाऊंगा तो ये नॉर्मल कुछ इस तरह बनेगा, यहाँ मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो ये नॉर्मल कुछ इस तरह बनेगा, और यहाँ अगर मैं बनाना चाहूंगा तो ये इस तरह बनेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर होल्ड करेगा तो ये लाइट कुछ ऐसी आएगी, ठीक है, और ये लाइट कुछ यहाँ पे ऐसी जाएगी, आपको भी पता है, और एक लाइट यहाँ पे ऐसी आएगी, ठीक। तो आप देखो यहाँ पे आपने आईज प्लेस किया, अब आप क्या देख रहे हो कि आपको यहाँ पे जो रेज है वो कैसी है, इरेगुलर है, ठीक है, मतलब है उनका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, इम्प्रॉपर हो रहा है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपको क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये वाला सरफेस दिखेगा, ये हमारा क्या है सरफेस, तो हमें क्या दिखेगा सरफेस दिखेगा, बट यहाँ ऐसा रेगुलर के केस में ऐसा नहीं होगा, रेगुलर के केस में आपको सोर्स दिखेगा, यहाँ पे क्या दिखेगा सोर्स दिखेगा, ठीक है। इससे ये क्लियर होता है कि एक चीज हमको सोर्स दिखा रहा है, दूसरा हमको सरफेस दिखा रहा है, और दुनिया में हम अपनी चीजों को देखने के लिए हम अपनी आईज को सबसे ज्यादा किसके लिए यूज करते हैं देखने के लिए, जाहिर सी बात है हम अपने आसपास के सराउंडिंग्स को ही देखेंगे, कलरफुल वर्ल्ड को ही देखेंगे, ठीक है, ना कि हम सोर्स को देखेंगे, ठीक। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारा कैसा किसका किस रिफ्लेक्शन का है, इरेगुलर वाले का, रेगुलर वाले रिफ्लेक्शन का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो रेगुलर वाले रिफ्लेक्शन का मतलब है कि हो Okay, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कहीं होता है, ठीक। तो जहां होगा वहां हमको सोर्स दिखेगा, और जहां इरेगुलर होगा वहां सरफेस दिखेगा, और हमें सरफेस देखना है, तो मोस्टली जो भी चीजें बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, अब समझ गए होंगे आप सरफेस को इम्प्रॉपर क्यों रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक छोटा सा पार्ट बेटा ओवर हो गया, जिसको कि हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आपको रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ फंडे बताएंगे, और उसके साथ साथ कुछ आपको न्यूमेरिकल रिफ्लेक्शन के भी करवाएंगे, ठीक है, जिसमें हम लैटरल इन्वर्जन का भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।